नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जम्मू से वापस आ चुका हूं और मैंने वहां पर जो कश्मीरी हिंदू थे उनसे बातचीत की, उनके जो फ़िलहाल के हालात हैं उन सब को भी हमने रिकॉर्ड किया है और जल्दी ही हम सत्य सनातन पर इस पूरी वीडियो को लेकर के आने वाले हैं। हमने वहाँ पर उन लोगों के जो हालात है वो भी पूछे और 90s में जो हालात, जिन हालातों की वजह से उन लोगों को यहाँ पर वापस आना पड़ा जम्मू में, उनके विषय में भी बात की है। उनकी जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो सुधर भी रही हैं और बहुत सारे लोग अभी भी निराश हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम उनके हालात और उस समय जब उनको छोड़ करके वहाँ से यहाँ पर आना पड़ा था, उन सब स्थितियों परिस्थितियों को आपके साथ में शेयर करें, उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करें। और उसकी बड़ी वजह ये है ताकि आप लोगों को भी पता लगे कि आगामी भविष्य में हमारी क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया का हमारे जीवन पर प्रभाव, हमारे जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो हमारे कॉज हैं या हमारे खिलाफ चलने वाले जो षड्यंत्र हैं उनके खिलाफ हमारा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना कितना ज़रूरी है और उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। हमने पिछले वीडियोज़ में बात की थी कि किस प्रकार से आसाम के अंदर तकरीबन 49 लाख बीघा ज़मीन के ऊपर अवैध घुसपैठियों ने ना केवल कब्जा किया हुआ है बल्कि पिछली सरकारों की शह पर उन्होंने इस कब्जे की रणनीति को काफ़ी आगे तक भी बढ़ाया है। हमने ये भी बात की थी कि वहाँ किस प्रकार से अवैध घुसपैठियों का ना केवल बसाया जाना बल्कि उनके फेक राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड भी बन रहे हैं। हिमंता विश्व शर्मा जी ने कहा है के तकरीबन 2050 तक यहाँ पर पूरी तरीके से डेमोग्राफी चेंज करके यहाँ की सत्ता को हथियाने के पूरे सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से इन लोगों की योजनाएं बन रही थी। ऐसे समय में सोशल मीडिया आउटरेज आपके आवाज़ उठाने की वजह से ही ये सारी चीज़ें जनमानस में पहुंच पाई। अभी आपने देखा कि किस प्रकार टिहरी डैम के पास में बन रही मस्जिद को वहाँ के प्रशासन ने स्वयं ही ध्वस्त कर दिया है, अर्थात वहाँ पर कार सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहाँ पर लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ी, वहाँ पर एक बार फिर से कलंक को मिटाने की आवश्यकता नहीं पड़ पाई। और उसकी वजह यही थी क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, लोगों ने इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई कि सरकार के कान खुले और उन्होंने इस पर एक्शन लिया। इस सब के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं क्योंकि सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस मीडिया को कहा जाता था वो अब बड़े बड़े राजनीतिक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की गोद में खेल रहा है। सोशल मीडिया पर किसी का कोई लगाम है ही नहीं, इस वजह से डैम के पास में हो रहे इस जमीन जिहाद पर आपका कुठाराघात काफ़ी भारी पड़ा है। साथ ही साथ जामिया नगर की हमने बात की थी जहां पर एक धर्मशाला जो कि मंदिर प्रांगण में बनी हुई थी उसको गिरा करके वहां पर मस्जिद बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें भी सरकार काफ़ी सक्रिय हुई है, पुलिस सक्रिय हुई है और उन्होंने उस पर भी तुरंत ही कार्यवाही शुरू कर दी है। गुरुग्राम में खेल के मैदान को घेर करके मुसलमानों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी, लेकिन गुरुग्राम के स्थानीय लोगों ने भी जिस समय पर सक्रियता दिखाई उसके बाद में भले ही वहाँ की जो स्थानीय पुलिस, गुरुग्राम पुलिस है, उसने एक झूठा ट्वीट किया था। झूठे ट्वीट में उसने लिखा था कि हिंदू मुसलमानों की आपसी सहमति से ही यहाँ पर नमाज हो रही है, लेकिन उसका भांडा उस समय पर फूट गया जब RTI में पुलिस से ये पूछ लिया गया कि दोनों की सहमति कब ली गई, दोनों की सहमति का कोई प्रपत्र भी होना चाहिए। गुरुग्राम पुलिस के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। स्थानीय हिंदू ने वहाँ पर जा कर के अपनी आवाज़ बुलंद की, अपना जो सवाल था वो रखा और साथ ही साथ ये भी कहा कि सवाल पूछना कोई गैर कानूनी कार्य नहीं है। वैसे तो आपको पता ही है दोस्तों कि 1400 साल से लगातार अवैध अतिक्रमण करते हुए इस मजहब ने आज तक काफ़ी सारे देश अपनी जद में ले लिए हैं। उसके बावजूद जहां इनकी मस्जिदों में बड़ा बड़ा चंदा आता है, काफ़ी सारी जगह होती है, वहां पर नमाज ना पढ़ करके ये सार्वजनिक स्थानों पर जानबूझ करके खुले में हगने के लिए आते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आह्वान कर रहे हैं कि कल से 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत अभियान अर्बन चलेगा, लेकिन हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि अर्बन हो या रूरल, ये लोग खुले में ही हगते आए हैं, खुले में गंदगी मचाते हुए। ऐसे लोगों के इस व्यवहार पर लगाम लगाने का कार्य भी हिंदूवादी संगठनों और हिंदुओं ने
ना केवल जमीन पर, ना केवल सोशल मीडिया पर, बल्कि कानूनी लड़ाई और कानूनी दांव पेंच, आरटीआई वगैरह सब भर करके वहां पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं बीच बीच में काफ़ी बार ये देखता हूँ कि कमेंट्स में भी लोग कहते हैं कि अंकुर भाई सोशल मीडिया पर आप कब तक ये सब बातें करते रहेंगे, ज़मीन पर कब आएंगे। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि ज़मीन पर भी हमारे संगठन कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हम आप लोगों तक पहुँच करके सीधे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने के लिए हमें काफ़ी सारी मुश्किलें भी आ रही हैं, कुछ पिछली महामारी की वजह से, और उसके बाद में जो संसाधन होते हैं उनको जुटाने के हेतु भी। लेकिन क्योंकि हमने जितने भी कार्य किए हैं उनमें हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि हम अपने संसाधन स्वयं ही जुटाएं, आप लोगों के ऊपर कोई भी वजन ना डालें। धीरे धीरे हमारा वो भी कार्य चल रहा है। आगरा में अभी हमने इस कार्यक्रम को किया है, आगे हम आपके पास में भी ज़रूर पहुँचेंगे। समय लगेगा क्योंकि संसाधनों की कमी है, लेकिन आएंगे अवश्य। सोशल मीडिया पर किस तरीके से हम अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, अपनी जो बातें हैं वो मनवा सकते हैं। आपके सोशल मीडिया पर सक्रियता की वजह से ही अकीला रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई हो गई है। ये वही रेस्टोरेंट है जिसमें साड़ी पहनने पर गई एक हिंदू महिला का विरोध हुआ था। उसके बाद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने साड़ी पहनकर ही इस रेस्टोरेंट पर धावा बोला था, और जब इस अकीला रेस्टोरेंट के कागज़ देखे गए तो यह बिना किसी लाइसेंस के ही चल रहा था। अर्थात अकील हो या अकीला, सब बिना कागज़ के ही भारतवर्ष में रहना भी चाहते हैं और हिंदुओं का विरोध भी करना चाहते हैं। लेकिन जब जब इनके कागज़ चेक किए जाएंगे, ये ठीक उसी प्रकार से बंद हो जाएंगे जिस प्रकार से अकीला रेस्टोरेंट बंद हुआ है। आपने देखा कि किस प्रकार से मान्यवर मोहे का एक ऐड था, जिसमें कि आलिया भट्ट ने हिंदू परंपरा और कन्यादान परंपरा के ऊपर बेतुके सवाल उठाए थे। हालांकि वो तीन तलाक, हलाला, मुतहा और खुला पर कभी नहीं बोल पाई, लेकिन आप लोगों की आवाज़ उठाने का ही ये परिणाम रहा कि वो ऐड भी बंद हो रहा है, और उसके बाद में इसकी टीम के ऊपर भी केस हो रहा है। आपका सोशल मीडिया पर होना ही इस बात का द्योतक है, और उसके होने से ही ये सुखद परिणाम है कि आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पुराने वो सारे के सारे किस्से और उनके जो दावे हैं वो निकाल करके आप दिखाते हैं, ताकि पक्ष हो या विपक्ष, उनको घुटनों पर आना पड़ता है और तुष्टीकरण की राजनीति से तौबा करनी पड़ती है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर रहते हुए ही राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी और उनकी मैया तक को नानी याद दिला दी। उन लोगों में भी आज सनातन वैदिक धर्म परंपराओं का पालन करने हेतु झूठा ही क्यों ना सही, लेकिन प्यार जाग रहा है। आप लोगों की सक्रियता बहुत कुछ कर रही है। आप लोगों की सक्रियता की वजह से आज लोगों के अंदर जो सो रहे थे, जो सेक्युलरिज्म उनके अंदर था, वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। बहुत सारे नए यूट्यूबर्स भाई बहन भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सत्य सनातन पिछले तकरीबन 4 साल से कंटिन्यू सोशल मीडिया और यूट्यूब पर है, और जब मैंने ये स्टार्ट किया था उस समय पर मैंने अपने शुरुआती वीडियोस में भी यही कहा था कि तकरीबन हजारों चैनल हमारे इस प्रकार के होने चाहिए कि हम कोई रोमांटिक सॉन्ग सर्च करें और उसके तीसरे या चौथे वीडियो में किसी सनातन वैदिक धर्मी, किसी हिंदू भाई के द्वारा अपने समाज को जगाने या उसके खिलाफ हो रहे किसी भी अत्याचार के लिए आवाज़ उठाने का वीडियो रिकमेंडेशन में आ जाए। सोशल मीडिया पर बढ़ती हुई इस जागरूकता का जो प्रमुख कारण है और उसके जो बधाई के पात्र हैं, वो सब आप लोग हैं। आप लोग इसी प्रकार से लगे रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हर महीने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री कहीं ना कहीं बाहर जा कर के हिंदुओं की दुर्दशा या फिर उनके किए हुए समाधानों पर कोई ना कोई वीडियो अवश्य लाते रहें। स्टूडियो से भी आपके जागरूकता के हेतु हम इसी प्रकार कंटेंट लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।